देविका। मैंने देखा तुम्हें अखिल, तुम और मिंडी साथ में थे ना। तुम फालतू में मुझ पे शक। मैं फालतू में शक कर रही हूँ? मैंने खुद देखा है, तुम लोग इतनी पास में खड़े थे, तुमने उसका हाथ पकड़ा था डायमंड। देविका ऐसा सुपर्ब अमेजिंग देविका, दैट थप्पड़ वाज जीनियस। थैंक यू सर। दादा वेलकम टू लव महल। ये है लव महल, सच्चे प्यार का अल्टीमेट डेस्टिनेशन। 10 कपल्स केम टू फाइंड लव एंड ओनली 4 कपल्स रिमेन। Ronit and Shireen, Mindy and Summer, Riyanshu and Mona, और Akhil and Devika। आप लोग अब तक के strongest connection रहे हैं, पर पिछले कुछ दिनों में there's been trouble in paradise। हमें लगता है आप दोनों को जरूरत है quality time की, to work on your connection। I hope Akhil और Devika अपने इस खोए हुए connection की तारों को दोबारा जोड़ पाएं। Till then, मैं आपकी host Veronica। और मैं teacher। मिलते हैं आप सबसे अगले एपिसोड में। Stay tuned. Bye bye. Cut it. अखिल, मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी। Actually, I wanted to say sorry. पता नहीं मुझे क्या हो गया था, मैंने अचानक से इस तरह से तुम्हें थप्पड़ मार दिया। I'm genuinely really really sorry. पागल है क्या? क्या जीनियस मूव था देविका, तू देखना तेरा ये थप्पड़ ना हमें कितने वोट्स दिलाएगा। लेकिन हमें ये सब टैक्टिक्स यूज करने की क्या जरूरत है? क्योंकि ये टैक्टिक्स ही हमें फाइनल तक लेके जाएंगी। व्हाट? क्या मैं और तुम एक दूसरे से प्यार करते हैं ना? एंड आवर कनेक्शन इज व्हाट हैज वर्क्ड फॉर अस इन द शो। लव, रिलेशनशिप्स, ये सब रियल वर्ल्ड के लिए होता है देविका। रियलिटी शोज तो टैक्टिक्स और रेटिंग्स के बेसिस पे जीते जाते हैं। चल, I have to go. I'll see you. Love, relationships, ये सब real world के लिए होता है देविका। Reality shows तो tactics और ratings के basis पे जीते जाते हैं। सर, आपने कहा था कि स्क्रिप्ट पूरी हो जाएगी तो डायरेक्टर ने का मौका देंगे। हाँ, तेरी स्क्रिप्ट तो पढ़ी थी मैंने, लेकिन कुछ खास मजा नहीं आया। एक काम कर, रियलिटी पे थोड़ा सा ब्रेक लगा और वो रोमांस रोमांस उसका एक्सीलेटर दबा दे, फिर देख लेंगे। अच्छा एक काम कर, तू देविका का बिहाइंड द सीन क्यों नहीं ड्रैग कर लेता? मुझे भी पता चल जाएगा कि तू कितना अच्छा डायरेक्टर है। देविका, देविका दिस इज पीयूष, इस शो का असिस्टेंट डायरेक्टर। तुम्हारा बिहाइंड द सीन आज से यही शूट करेगा। ओके, शॉट रेडी है? रेडी। रोल। रोलिंग। एक्शन। आई वाज हर्ट। अखिल को मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। कुछ मिसिंग है, थोड़ा गुस्सा दिखाओ। इमेजिन करो कि वो पीठ पीछे तुम्हारे कुछ, नो व्हाट आई मीन। मैंने अखिल को माफ कर दिया, हमारा प्यार रियल है, हम शो के स्टार्ट से ही साथ में। इनफैक्ट वो नहीं होता तो मैं यहाँ नहीं होती। प्लीज देविका, ये हम दोनों के करियर का सवाल है। इस रियलिटी शो से ना हम रातों रात पॉपुलर हो जाएंगे, फिर टीवी शोज, वेब सीरीज, एड्स सब मिलेगा हमें। दिस शो इज अबाउट डेटिंग। उसकी चिंता मत करना, हम शो शुरू होते ही पार्टनर बन जाएंगे, फिर हमें कोई नहीं हरा सकेगा। तुम सच में मेरा साथ दोगे? प्रॉमिस, जीतेंगे तो साथ, हारेंगे तो साथ। ओके, थैंक यू देविका। प्लीज एक्सक्यूज मी फॉर अ मिनट। या श्योर। थैंक यू। यार, लव महल पे ट्रू लव ढूंढने आए हैं? सीरियसली, ये तो वही बात हो गई कि मैं बार में जा रहा हूँ और बारटेंडर को कह रहा हूँ भाई एक ग्लास दूध दे दे। यार मेलोड्रामेटिक होने के लिए एक लिमिट होती है, वो नहीं होता तो मैं यहाँ नहीं होती। यार ये लोग ना कैमरा के लिए आए लोग बचा के रखते हैं, साला कहीं वेस्ट ना हो जाए।
यू आर एन इनसेंसिटिव एंड सेल्फ सेंटर्ड पर्सन। यार वो मैं बस मजाक 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 तो तुम अपनी जॉब का उड़ा रहे हो। इतनी प्रॉब्लम है तुम्हें यहाँ पे, हो क्यों यहाँ? पीयूष भाई, ये लड़की इस शो की स्टार है, अगर इसने एक कंप्लेंट कर दी ना तो आपका मूवी बनाने का सपना। एक्सक्यूज मी, आई एम सॉरी, मुझे इस तरह से बिहेव नहीं करना चाहिए था। आखिर तुम भी ये शो किसी मजबूरी की वजह से कर रही होगी ना। तुम्हारी ये सोच और इस एटीट्यूड की वजह से ना मैं लिख के दे सकती हूँ, तुम जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं कर पाओगे। आखिर तुम भी ये शो किसी मजबूरी की वजह से कर रही होगी ना। वो नहीं होता तो मैं यहाँ नहीं होती। यार ये लोग ना कैमरा के लिए आई लोग बचा के रखते हैं, भला कहीं वेस्ट ना हो जाए। समझता क्या है वो अपने आप को? देविका, I have a news. क्या हुआ तुझे? वो लड़का इतना बदतमीज और इतना arrogant है ना। लड़का कौन? ये समर या प्रांशु ने तुझे कुछ कहा? नहीं, वो एडी पीयूष। एडी? तू जानती है उसे? नहीं जानती, वो बीटीए शूट कर रहा था मेरे। एनीवे, तुम कुछ बताने वाले थे? वो प्रोड्यूसर ने मुझे मिंडी के साथ डेट पे जाने के लिए कहा है। मिंडी के साथ क्यों? बताता हूँ मैं तुझे बाद में। अच्छा सुन, एक आइडिया आया मेरे दिमाग में, तू उससे दोस्ती कर ले। मिंडी से? अरे वो एडी से। मेरी लाश भी दोस्ती ना करे उससे। बेबी, मैं कौन सा उसका जिगरी बनने के लिए कह रहा हूँ, तू उससे शो की इंफॉर्मेशन निकलवाई हो और तू और मैं लव महल के बेगम और बादशाह, और ये पीयूष हमारा तरुप का इक्का। लेकिन ये सब करने की, ये है फिनिशिंग लाइन देविका, हम जीत के इतने पास हैं, बस एक बार जीत जाए फिर याद है तू इंडिया की टॉप एक्ट्रेस और मैं इंडिया का टॉप मॉडल, कैसा है प्लान? ओके। तुम्हारी ये सोच और इस एटीट्यूड की वजह से ना मैं लिख के दे सकती हूँ, तुम जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं कर पाओगे। फोकस पीयूष, फोकस। तो ये स्क्रिप्ट पूरी नहीं हो पा रही है और ऊपर से इस देविका का बीटीए शूट करने को दे दिया। हाय पीयूष। सॉरी, वो एक्चुअली उस टाइम मैं अखिल और मिंडी से नाराज थी और उन दोनों की सारी भड़ास तुम पे निकल गई। आई वॉज थिंकिंग कि क्योंकि अब हमें कुछ दिन साथ में काम करना है तो ये लड़ाई फाइट का प्लान छोड़ के फ्रेंड्स बन जाए। लेट्स बी फ्रेंड्स। थैंक यू। प्रेमचंद जी की गोदान, तुम हिंदी लिटरेचर पढ़ते हो? तुम्हें पता है मुंशी प्रेमचंद जी कौन थे? एक्सक्यूज मी, मुझे पता भी है, मैंने पढ़ी भी है। मुझे लगता था रियलिटी स्टार सिर्फ न्यूज़पेपर का पेज 3 ही पढ़ते हैं। पीयूष भाई जल्दी चलो, समर और मिंडी की फाइट हो रही है, सीन शूट करना है। Excuse me, I'll catch you later. क्या हुआ? कुछ पता चला? पहले तुम बताओ, तुम्हारी डेट कैसी रही? पता नहीं यार, मैंने ना मिंडी को बहुत भड़काने की कोशिश की पर वो समर को समर नहीं भगवान मान के बैठी हुई है। Really? क्योंकि मैंने सुना कि उन दोनों की लड़ाई हो रही है। पीयूष वही शूट करने गया है। ओहो, तू ना बेस्ट है देविका। अच्छा अखिल, मैं क्या सोच रही थी, इतना टाइम हो गया हम दोनों ने क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं किया, तो क्या हम दोनों के? ग्रेट आइडिया, ग्रेट आइडिया देविका। हमारी फाइट के बाद ना दिस विल लुक वेरी रोमांटिक। तू यहीं रुक,
मैं ना प्रोड्यूसर से कैमरा क्रू की बात करके आता हूँ, ठीक है? यही रुक। अगले BTS में सेटअप मिड क्लोजअप रखना है। ओके। वही क्वेश्चन अराउंड है, फेवरेट कलर, चड्डी का साइज वगैरह वगैरह, ठीक है? जैसे रहता है इनका, ठीक है? या। रेडी? रेडी। चलिए आप शुरू करते हैं। सो हाउ ऑफन डू यू पार्टी? रोजी, आई लव पार्टी, लेकिन मेरी पार्टी का मतलब है पजामा, पिज्जा एंड मूवीज। और तुम कैसी मूवीज देखती हो, चिक फ्लिक या रोम कॉम? रोम कॉम? No way. That's not my style. I love horror. In fact, Exorcist is my favorite film. अच्छा, tell me that one thing जो तुम्हें सबसे ज़्यादा cheer up करती है जब तुम्हारा mood low होता है। Orange ice lollies. वो मेरी favorite है। I believe orange ice lollies can fix anything in the world. Are you serious? मुझे लगता था तुम model type girl हो। You mean shallow, pretentious, self-centered? नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। कैरेक्टर के बहुत अच्छे जज होते हैं। हाँ हाँ, तभी तुम इग्नोर करके मेरे पास आया वो। गुड बॉय। I lost my balance and bad twist हो गया। कहाँ लगी? यहाँ? ये कोई TRP stunt नहीं चल रहा है। उसे real में लगी है। अगर आप help नहीं कर सकते, कम से कम थोड़ी शर्म तो कीजिए। Just back off. Action. तो अब मैं इनवाइट करूंगी आज के टास्क की आखिरी जोड़ी को, देविका एंड अखिल, प्लीज कम ऑन स्टेज। तो आज हम जानेंगे हाउ वेल देविका नोज अखिल एंड अखिल नोज देविका। थैंक यू। सो देविका, अखिल का फेवरेट आइसक्रीम फ्लेवर कौन सा है? अखिल इज टू हेल्थ कॉन्शियस, उसे कोई भी आइसक्रीम नहीं पसंद। वाओ, the bond is actually too strong. Yes. So next question, Akhil, Devika ki favorite movie kaun si hai? Exorcist. Easy hai, ise rom-com movies bahut pasand hai. DDLJ. Devika, show us. Rom-com? No way. Exorcist is my favorite film. और इसी के साथ आज का ये राउंड यही समाप्त होता है। देविका एंड अखिल, प्लीज टेक योर सीट्स। और अब समय आ गया है हमारे उस कपल को अलविदा कहने का, जिसका सफर यही खत्म होता है। और वो कपल हमारे इस शो से आज एलिमिनेट होते हैं। वो कपल है
रौनित और शिरीन, आपका ये सफर यही समाप्त होता है। कट इट। आई थॉट तुम्हारी फेवरेट मूवी एग्जॉर्सिस्ट थी। हाँ भाई, तुम्हें याद है? एक्चुअली है तो वही, लेकिन अखिल को याद नहीं हो रहा था, तो मैंने अपना आंसर चेंज कर दिया। काफी अच्छी ट्यूनिंग है, प्रैक्टिस करके आए थे क्या? आई होप यू विन। हाय, मेरा नाम है प्रियांशु। हाय, दिस इज मोना। कितनी बार समझाया तुझे? हाँ देविका, ये रियलिटी शो, यहाँ पे कनेक्शंस नहीं चलती, रियलिटी नहीं चलती, एक्टिंग चलती है, एक्टिंग। क्या चाहिए बता, कैसे जीतेंगे हम? एवरीथिंग ओके गाइस? या ऑल गुड, ऑल गुड। ओके अखिल, आर यू फ्री फॉर अ व्हाइल? एक्चुअली मुझे कुछ काम था तुमसे। या श्योर श्योर, कम कम। देविका, ये रियलिटी शो, यहाँ पे कनेक्शंस नहीं चलती, रियलिटी नहीं चलती, एक्टिंग चलती है, एक्टिंग। लव, रिलेशनशिप्स, ये सब रियल वर्ल्ड के लिए होता है देविका। शो शुरू होते ही पार्टनर बन जाएंगे, फिर हमें कोई नहीं हरा सकेगा। तुम सच में मेरा साथ दोगे? प्रॉमिस। जीतेंगे तो साथ, हारेंगे तो साथ। क्या कर? Well, किसी ने मुझसे कहा था कि ऑरेंज आइस लॉलीज कैन फिक्स एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड। आई बिलीव ऑरेंज आइस लॉलीज कैन फिक्स एनीथिंग इन द वर्ल्ड। तुम खाओगे या मैं खिलाऊं? हाले दिल को सुकून चाहिए, पूरी एक आरज़ू चाहिए, जैसे पहले कभी कुछ भी चाहा नहीं, वैसे क्यों चाहिए, दिल को तेरी मौजूदगी कैसा सयूं चाहिए। मेरी अगली वीडियोस क्यों ली? डिलीट अभी के अभी। अगली? नो वे। तुम हमेशा ही अच्छे लगते हो। तू चाहिए हर मर्तबा, तू चाहिए जितनी दफा जिद हो मेरी उतनी दफा, तू चाहिए। अच्छा है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं पूरा दिन इसकी खुशबू लेती रहूं। तुम बिना परमिशन के मेरे रूम में मेरा लैपटॉप कैसे यूज कर सकती हो? आई एम रियली सॉरी, मैं तुम्ही से मिलने आई थी, दिन तुम्हारा लैपटॉप खुला पड़ा था और आई नो इट्स रॉन्ग, आई एम रियली सॉरी। यस, यू शुड बी सॉरी। वैसे कहानी काफी अच्छी, I was hooked, so I kept reading. चलो किसी को तो कहानी अच्छी लगी, वरना प्रोड्यूसर्स ने तो देखकर ही रिजेक्ट कर दिया था। एक सजेशन दूं? तुम्हारी कहानी अच्छी है, but the characters lack chemistry. जैसे पास होने पर दिल का जोर से धड़कना, दिन में 100 बार उनकी बातें याद करना, मन में 100 चीजें कह जाना, लेकिन पास आने पर चुप हो जाना, ऐसा ही होता ना प्यार? अच्छा ठीक है, मैं चलती हूं।
मेरा पहला प्यार हो गया, दिल तेरे बिना लगदा नहीं। किसने मुझसे कहा था कि ऑरेंज आइस लॉलीज कैन फिक्स एनीथिंग दिस वर्ल्ड? इश्क तेरा इश्क मैनू सोन ना देवे, इश्क तेरा इश्क मैनू रोन ना देवे। तुम हमेशा ही अच्छी लगती। थैंक यू फॉर द एडवाइस इन द मॉर्निंग। ऑफकोर्स हीरो हीरोइन में इतनी आसानी से प्यार थोड़ी होता है। अच्छा तो बताओ कैसे होता है ये प्यार? पहले टकरार, फिर दोस्ती, फिर प्यार। यू आर एन इनसेंसिटिव एंड सेल्फ सेंटर्ड पर्सन। लेट्स बी फ्रेंड्स। तकरार और दोस्ती तो हमारी भी हो गई है, बस प्यार बाकी है। तो मुझे क्या करना चाहिए? तुम्हें और कोई काम नहीं है क्या? अगले टास्क की तैयारी? गोइंग टू गेट अ ड्रिंक विद द क्रू ऑन सेट। तुम चलोगी? इश्क तेरा इश्क मैनू सोन ना देवे, इश्क तेरा इश्क मैनू। Hi. Come on everyone. Cheers. एक बात बोलूं? हाँ। Thanks to you कि अब जाके मेरी लव स्टोरी कंप्लीट लग रही है। Really? So, Mr. Intellectual को एक dumb reality TV star की एडवाइस अच्छी लगी। I'm honest. देविका, अरे मैं मजाक कर रही हूँ। और तुम्हारी स्क्रिप्ट तो पहले से ही बहुत अच्छी थी। पर अब खूबसूरत है। You know, मैं 2 साल से स्क्रिप्ट पर काम कर रहा था। फीडबैक और रिजेक्शन एक बात है, पर मैं खुद खुश नहीं था। ऐसा लग रहा था कि जैसे एक मकान है अच्छा सा जो अब एक सुंदर घर बन गया। एग्जैक्टली इस शहर में ना हम लोग दिमाग का यूज कर करके दिल को जंग लगने के लिए छोड़ देते हैं। आई नो व्हाट यू मीन, दिस इज व्हाई। शायद यही रीजन है कि मैं पिछले 2 साल से सिर्फ ऑडिशन पे ऑडिशन दिए जा रही हूँ, लेकिन मुझे कहीं से कोई रिवॉर्ड कॉल नहीं आया, नॉट इवन वंस। कभी कभी लगता है कि मम्मी पापा से लड़ाई करके मुंबई आना, अपने सपनों को पूरा करना वॉज अ टोटल वेस्ट। या शायद मैं ही एक अच्छी एक्ट्रेस नहीं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आई थिंक यू आर एन अमेजिंग एक्टर। एक बात बताऊं पीयूष, कभी कभी ना मुझे डर लगता है कि कहीं मेरी इमेज सिर्फ एक टिपिकल टीवी रियलिटी स्टार की ना रह जाए, जहां मुझे कोई रियल एक्टिंग जॉब ना मिले, वेयर पीपल वोंट टेक मी सीरियसली, बस रियलिटी। देविका रिलैक्स, तुम्हें एक्टिंग का मौका ऑलरेडी मिल गया। जब मेरी स्क्रिप्ट अप्रूव होगी ना, तो मेरी फिल्म की लीडिंग एक्ट्रेस होगी मिस देविका पंडित। रियली? अरे आई एम सीरियस। हाल दिल की शह पे चल कर आ गया हूँ तेरे दिल तक। What a feeling। धड़कनों के लय पे चल कर आ गई हूँ तेरे दिल तक। What a feeling। What a feeling। Thank you। What a feeling। Oh. What a feeling.
ये जो सीन है ना वो स्विमिंग पूल वाला है। बट एक छोटी सी प्रॉब्लम है। क्या? इस फिल्म की स्क्रिप्ट में स्विमिंग है एंड आई कैन हार्डली स्विम। अरे तो स्टैंड डबल ले लेंगे ना। ओह शिट यार मुझे ना आश सर ने बुलाया था, उनको ये स्क्रिप्ट दिखानी है। विश मिला। गुड लक। एक मिनट, तुम्हें स्विमिंग नहीं आती? नो। कल के टास्क में तुम्हें पूल में जाना होगा अपने पार्टनर का कीमती सामान वापस लाने के लिए। प्रॉमिस मी यू विल बी सेफ। अगर थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई तो यू विल गेट आउट। Good. The script is approved. Congratulations. All the best. Thank you, sir. Yush, तुमसे कुछ बात करनी है। नहीं, ऐसे नहीं बोल सकती। तू उससे शो की इंफॉर्मेशन निकलवाई हो और तू और मैं लव महल के बेगम और बादशाह और ये पीयूष हमारा तुरुप का इक्का। पीयूष, I have a confession. देविका! Let me guess, उनको पसंद आई? उनको बहुत पसंद आई। Oh my God, Piyush, you did it? No, we did it. देविका, इस पूरे रियलिटी शो में बस तुम ही रियल हो। मैं तुम्हें जितना जानता हूँ उतना ही पसंद करता हूँ और इस जानने और पसंद करने की फीलिंग को मैं रोकना नहीं चाहता। थैंक यू। आई लव यू। आई लव यू। हाथ छोड़ उसका। तेरी हिम्मत कैसे हुई उसका हाथ पकड़ने की? हाँ, समझा समझा समझा, तुझे लगा? ओह गॉड, क्या फंसाया है यार देविका। आज विश्वास हो गया, तू बहुत टॉप लेवल की एक्ट्रेस है। ब्रो, इसे मैं नहीं बोला था तेरे से बात करने को ताकि तेरे से अंदर की खबरें निकलवा सके। मेरा इश्क तो उसके लिए सीढ़ियों से क्या फसाया देविका। Let's be friends. मेरी फिल्म की लीडिंग एक्ट्रेस होगी मिस देविका पंडित। प्यार में मुझे करके इस्तेमाल। पीयूष, एक बार मेरी बात। छोड़ा जैसे मैं। मुझे कुछ नहीं सुनना। सीने में दिल ना रोता, दिल से जो थामा होता। चल चल, अगले टास्क की तैयारी करनी है। चल थैंक यू। आई लव यू। क्या फंसाया है यार देविका। आज विश्वास हो गया, तू बहुत टॉप लेवल की एक्ट्रेस है। ब्रो, इसे मैं नहीं बोला था तेरे से बात करने को। जिंदगी में उसकी मैं था एक जरिया। मैं था कश्ती, दिल था मेरा एक दरिया। मुझे पे चढ़ के उसने पाए हैं किनारे। देविका, ये रिंग मेरी सबसे कीमती चीज है और कल के स्विमिंग पूल वाले टास्क में तुम्हें इसे ढूंढना होगा। गॉट इट? अखिल, यू नो आई कैन हार्डली स्विम। अगर कुछ आई नो यू वोंट डिसअपॉइंट मी। देविका, बस एक टास्क और
और हम फाइनल्स में, रिमेंबर दिस, ठीक है? प्रॉमिस मी यू विल बी सेफ, अगर थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई तो यू विल गेट आउट. तीन कपल्स और एक गोल, और आज का टास्क डिसाइड करेगा कि कौन आगे बढ़ेगा और कौन पीछे रह जाएगा. आज के टास्क में we have taken one valuable item from our male contestants and kept them at the bottom of the swimming pool. The girls have to find out those items by diving in. Aur jo bhi item liye bina upar aayega wo eliminate ho jayega. Okay, let's begin the task. Go! Come on, Devika, come on, chal, chal, chal. Chal, chal, Mindy, Mindy. Mona, come on, jeetna hai hume. अरे यार, थोड़ा राइट में जा, राइट में यार. अरे ढूंढना, रिंग रिंग मिल जाएगी यार. कम ऑन, हाँ, राइट जा. अरे उधर आ, चल, मिलेगा, चल, हाँ. देविका, मिली क्या रिंग? सर, देविका हिल नहीं रही है. सर, देविका हिल नहीं रही है. मेरी गलती थी. मैंने तुझसे दोस्ती अपने मतलब के लिए की थी, लेकिन मैंने दोस्ती निभाने में कोई बेईमानी नहीं की है. और मेरा प्यार, कम पीयूष, तुम्हारे बारे में बात चल रही थी. देविका और अखिल एक डेट पे जाने वाले हैं और अखिल रिक्वेस्ट कर रहा है कि ये सीन तू ही डायरेक्ट करे. पर सर, मैं, देख पीयूष, तूने अपनी पहली फिल्म डायरेक्ट करनी है ना, उसके लिए ये सारा एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट है. डोंट लेट मी डाउन. ओके सर.
रूठी है शब ते रब्बा रब्बा दिल भी है रूठा सब कुछ है बिखरा 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 सा रूठा रूठा चुप माही चुप है रांझा बोले कैसे वे ना जा बोले कैसे वे ना जा 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 नेक्स्ट शॉट लेते हैं बोले कैसे वे ना जा बोले कैसे वे ना जा चुप माही चुप है रांझा जा जा और अपनी खेल है खेले रोज लगावे मेले कहंदा कुछ ना बदला मनी शॉट इसे सारे एंगल से शूट करो हाय पीयूष तुम्हारा रॉ फुटेज चेक कर रहा था अच्छा लगा सर मैं शो छोड़ना चाहता हूँ छोड़ना चाहता हूँ अरे फिनाले टाइम है तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया आई एम सॉरी सर पर मैं ये और नहीं कर सकता नहीं कर सकता एक तो नौकरी दो ऊपर से एटीट्यूड मुझे तुझ पर भरोसा करना ही नहीं चाहिए था ये ले अपनी स्क्रिप्ट और निकल जाए यहां से ऑल सेट बस थोड़ा अच्छे से हो जाए कैप्चर अब हर जगह से करना है हमारे को राइट हाय सर हाउ आर यू ऑल गुड सर अमेजिंग सेट सर ब्यूटीफुल सेट या थैंक यू एंड गुड वर्क गाइस द लास्ट राउंड यू ऑल परफॉर्म वेल पीयूष तुम बैग क्यों पैक कर रहे हो I have quit this job. Quit मतलब? I don't want to do this anymore, yaar. And what about your script? It's okay, Devika. Actually, मैं तुम्हें ही sorry कहना चाहता था. पता नहीं मैंने तुम्हें गुस्से में क्या-क्या बोल दिया. हमारे रिश्ते में दोस्ती थी, तकरार थी, पर प्यार नहीं था. एक बार मेरी बात सुनो तुम सब कुछ गलत आई नो देविका तुम्हारे लिए शो कितना इंपॉर्टेंट है रिमेंबर दिस फाइव स्टेप्स स्ट्रेट फोर स्टेप्स राइट फाइव स्टेप्स लेफ्ट देन अगेन फोर स्टेप्स लेफ्ट एंड फाइनली फाइव स्टेप्स राइट आई नो ये मेरा फेवरेट गिफ्ट है तुम्हारे लिए प्लीज इसे अच्छे से करना टास्क शुरू होने वाला है जाओ Finale round. So guys, आज के टास्क में गर्ल्स विल बी ब्लाइंड फोल्डेड रास्ते पे रेड एंड ब्लू बजर्स लगे होंगे और अगर आपका पैर इन बजर्स पर लग गया तो आप सीधे सीधे एलिमिनेट हो जाएंगे और आपके पार्टनर पर कीचड़ गिर जाएगा Ladies and gentlemen, love is blind, but it is all yours. So let's begin the game and may love be your guiding force. Blindfold, please. And start!
क्या सीधा 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 आजा 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 हाँ गुड 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 देविका गुड हाँ ऐसे ही ऐसी ऐसी देविका अच्छा मिनट 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 धीरे 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 स्लो 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 अरे रुक 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 टेढ़ी क्यों चल रहे यार सीधा आना कम ऑन देविका हाँ चल स्ट्रेट स्ट्रेट हाँ थोड़ा सा राइट रुक हाँ रुक जा हाँ राइट 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 फाइव स्टेप स्ट्रेट फोर स्टेप्स राइट फाइव स्टेप्स लेफ्ट Then again, four steps left. And finally, five steps right. Ha! Devika, Devika, bas cross kar! Cross kar! Ha! Bas, bas, cross! Cross! I love you. I know, Devika, तुम्हारे लिए शो कितना इम्पोर्टेंट है आई होप यू विन हमारे रिश्ते में दोस्ती थी तकरार थी पर प्यार नहीं था क्या फसाया है यार देविका इसे मैं नहीं बोला था तेरे से बात करने को ताकि तेरे से अंदर की खबरें निकलवा सके हाँ बस बस क्रॉस क्रॉस जीत गए आई हूं जिसके लिए मैं दुनिया सारी छोड़ के एक प्यार ही तो है पीयूष आज के इस राउंड में जो कपल एलिमिनेट हुआ है वो है देविका एंड अखिल अरे शो अभी तक चल रहा है नई हॉरर मूवी आई है वो देखें हॉरर मूवी मैं तो देख लूंगी तुम देख पाओगे लास्ट टाइम याद है मैं क्या हुआ था क्या हुआ अच्छा ये सब चीजें छोड़ो तुम्हें तुम्हारा प्रॉमिस याद है ना कि तुम अपनी मूवी में मुझे हीरोइन का रोल दोगे प्रॉमिस तो याद है पर वो प्रोड्यूसर मेरी शक्ल तक नहीं देखेगा ये प्रॉब्लम है रीड इट डियर पीयूष ऑन बिहाफ ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशन इट इज विद एक्साइटमेंट दैट वी अनाउंस यू द इंक्लूजन ऑफ आवर लव स्टोरी इनटू द एक्सपेरिमेंटल फीचर फिल्म कैटेगरी दैट विल सिलेक्टेड फॉर द शूट इन मुंबई ये सब कैसे आई एम सो सॉरी मैंने बिना तुमसे पूछे तुम्हारी स्क्रिप्ट भेजी और वो अप्रूव हो गई देविका दिस इज अ ड्रीम कम ट्रू Thank you. प्यार तूने क्या किया ख्वाब दिल को I love you.